कृष्ण की वाणी से सब सुन सुनाई होती है सजनों। उसने बताया था कि जिस समय उस अकबर ने सुंदर बाई का डोला मांग लिया तो जमल बहुत दुखी हुआ, बहुत हताश हुआ और निकल ना गया भाई। एक में मन भाई अपने डेरे में जालने जब जब तो सजनों बताया जाता है जम्मल बड़ा दुखी था, फतेह सिंह के पास गया। जाग कहा रे फतेह सिंह? हाँ भाई साहब ठीक ठाक तो के ठीक नहीं। अरे उस रामजादे ने सुंदर बाई का डोला मांग लिया। लोगों बताते हैं राजपूत था, श्राप पी के सोया हद था। इतना गुस्सा आता है कि फतेह सिंह जब उठता है पलंग की बाही टूट जाती है। फतेह सिंह कहते हैं जमल एक कापी और पेन लिया और तू लिख और मैं बताता हूं एक चिट्ठी लिख उस हरामजादे को। कैसे? वो फतेह सिंह बताता है और जमल लिखता है क्या चिट्ठी लिखी उसको। बोलिया रे हम छतरी रजपूत जात के समझे ना इंसान तनले हर ही जया के जी
महेंद्र जांगी, हमारे उस्ताद हारमोनियम मास्टर, सौर पीछे आशीर्वाद देते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करण कैसे मरिया कंधारी
कनरी अरे पुती होगी जो कड़ा पूत जड़ी थी अशुभ कर्मों से नष्ट होए शुभ कर्मों से नष्ट होए इब लग नहीं जानी से जमन मरने कर्म ना पड़ेगा कृष्ण की पाई ए रचनी भी रखी था राहुल काफी नाम पहले युवा साथी राहुल गंगा 100 रुपए से और मान सम्मान करते ही भाई का धन्यवाद तीसरे नंबर पर लिखता है उस्मालदेव ने कहा कि नू लिख दे भाई जमल क्या लिख दूं सुंदर भाई कोई ऐसी चीज नहीं है एक जाम्बी की चिड़िया ने इस भारत वर्ष में कितनी पतिव्रता हुई उनमें एक सुंदर भाई भी पतिव्रता के रूप से बरसाओ क्या कर्म सिंगरी नुबला उसने भी छड़ कराए एक लव्य के साथ कदै यो अर्जुन तना बढ़ गया यहां कर्म से गिरा जन्म जन्म ग्वारी से और जम मरे कर्म का फल कृष्ण की भाई से गरीबी रखी था
लोगों ये लिखा है, पहले मुगलों का राज होता था, रजवाड़े बहुत कम थे। फतेह सिंह ने ये भी लिखा, उनको एक साल के पारा भी नहीं होते हैं भाई साहब। देसी भाषा में लिखे, आजकल के बालक जानते नहीं। फागण चैत बसाख जेठ साठ श्रावण भादवा सोत कत्तक मंसिर पोमा। और आज तो जनवरी फरवरी जाने वाला, पर छोटे बामन ने तोड़ कर दिया, ने कहा एक महीना भी तेरे को खाली को जान दे भाई। ऐसे साठ जेठ तेरे साठ रेत में जाएंगे, सामन भादव आ सोच के माँ ये पाठ रेत में जाएंगे, कत्तक मंग सिर्फो माँ पछे जाड रेत में जाएंगे, मंगे राम तेरे टकरावेगा तेरे हाड़ रेत में। बहुत बढ़िया